गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे एक समान वेग से द्विविमीय गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन करती है ना, समान समय अंतराल में अगर वस्तु का विस्थापन भी समान होता है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है ना। अगर वस्तु का विस्थापन एक समय अंतराल में एक समान हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि उसका वेग भी क्या है, एक समान है। ठीक है, माना कि एक वस्तु एक्स वाई समतल में गति कर रही है ना। एक वस्तु है जो एक्स वाई समतल में गति कर रही है तो उसकी स्थिति जो होगी, अगर समय जब टी बराबर ज़ीरो था तो उस वक्त उसकी स्थिति है आर नॉट। ठीक है, तथा जब समय टी बराबर टी हो गया तब उसकी स्थिति है आर, है ना। मतलब जब समय शून्य था तो वो आर नॉट की स्थिति पर थी और जब समय शून्य से बढ़कर टी हो गया तब वो आर की स्थिति में आ गई। तो हमको पता है वेग किसके बराबर होता है बेटा, विस्थापन बटे समय अंतराल के। ठीक है, तो विस्थापन कितना हो रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे अंतिम विस्थापन में से प्रारंभिक विस्थापन को घटा देंगे। ठीक है, तो अंतिम विस्थापन में से प्रारंभिक विस्थापन को हमने जब घटा दिया तो हमें पता चल गया और समय अंतराल क्या था, अंतिम समय था टी और प्रारंभिक समय था ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वी टी बराबर से आर माइनस आर नॉट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम R का मान निकालना चाहें तो R का मान किस तरीके से निकल जाएगा, R जो है वो बराबर हो जाएगा R नॉट प्लस वी टी के। ठीक है, इसको हमने दे दिया बेटा समीकरण नंबर एक, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर हमने जो स्थिति सदिश देखे थे उनका मान जो हमने निकाला था x अक्ष में और y अक्ष में, है ना, वो हमने क्या निकाला था। तो जब हम देखते हैं कि हम R सदिश की बात करते हैं जब, तो वो क्या होता है, x डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे, आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे, और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वेग की वी एक्स आई। ये वेग होगा x डायरेक्शन में और ये वेग होगा y डायरेक्शन में, क्योंकि समतल में गति कर रहा है, टू डायमेंशन मोशन कर रहा है, यहाँ पर द्विमीय गति वो कर रहा है ना। तो दोनों दिशाओं में वो जाएगा, x दिशा में भी जाएगा और y दिशा में भी जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमने R की, R नॉट की और V की जो मान निकाला है इनको हम समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो समीकरण नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए समीकरण नंबर एक एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और ये जो T हमारा चल रहा था ये हमने उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे और जो x और j के, है ना, जो गुणक है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, जो कंपोनेंट है ना, जो ये गुणक है इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, x के अलग कर लेते हैं और j को अलग कर लेते हैं। तो एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स नॉट आई वी एक्स टी, तो इसमें से आई जो है वो दोनों में से क्या निकल जाएगा बेटा, कॉमन निकल कर जाएगा। फिर ये हो जाएगा वाई नॉट प्लस वी वाई टी, और जे क्या हो जाएगा इसमें से कॉमन निकल कर आ जाएगा। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर दो। आई तथा जे गुणक की तुलना करने पर अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, आई तथा जे के जो गुणक हैं उनकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो आई की तुलना अगर हम करेंगे तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी के बराबर हो जाएगी, और वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई नॉट प्लस वी वाई टी के। ये हो गया समीकरण नंबर तीन और समीकरण नंबर चार। ठीक है, तो जब भी हमारा जो भी वस्तु होती है वो एक समान गति करती है तो उसका वेग भी क्या होता है बेटा, एक समान ही होता है। इक्वेशन नंबर जो समीकरण नंबर एक है, तीन है, चार है, इससे हमें दिख रहा है ना कि अगर x दिशा में वो जा रही है तो क्या निकलेगा और y दिशा में अगर वो जा रही है तो क्या निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक समान वेग से द्विमीय गति।